जय हिंद दोस्तों। सो इसरो ने चंद्रयान 3 की सक्सेस होने के बाद आदित्य L1 जो हमारा सोलर मिशन है उसकी लॉन्च डेट की घोषणा की है। तो हम इस वीडियो में आदित्य L1 मिशन के बारे में हम जानेंगे। सो आदित्य L1 मिशन क्या है? तो आदित्य L1 मिशन इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन है। तो ये कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी मतलब क्या? स्पेस ऑब्जर्वेटरी मतलब क्या कि ये स्पेस में ही रहेगा, ये जो सैटेलाइट है जो स्पेस में रह के ये सन के बारे में स्टडी करेगा, इसलिए इसको कहते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन। तो टोटल ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करने वाला है, जो हमारा जो चंद्रयान 3 है उससे 4 times ज़्यादा। और ये सन के बारे में ये डिटेल ऑब्जर्व करेगा। ये आदित्य L1 मिशन में ये L1 है क्या? तो ये L1 एक ऐसा पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में जहाँ पे ये इंसर्ट करने वाले हैं। तो L1 तो एक इटालियन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जोसेफ लैग्रेंज। तो उसने पाया गया था, उसने कहा था कि अर्थ और सन के बीच में टोटल ऐसे 5 points है जहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो आता है सन और अर्थ का और सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस हो रहा है इन दोनों का। तो जिससे क्या होता है जो ऑर्बिट जो भी ऑब्जेक्ट इसमें है L1 पॉइंट L2 पॉइंट L3 पॉइंट ये L5 वो बैलेंस वहाँ पे ही रहता है और वो आगे मूव आउट होता है। जो अर्थ है जहाँ पे मूव आउट होता है उससे वो साथ ही साथ वो मूव आउट होता है, इसलिए इसको क्या लैग्रेंज पॉइंट। और ये जो हमारा आदित्य L1 जो है मिशन वो L1 पे इंसर्ट होने वाला है। और यहाँ पे और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमको कम फ्यूल चाहिए। ओके, तो अर्थ से लेके L1 मिशन तक टोटल हमको 109 दिन लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में। तो आप बोलोगे कि L1 पॉइंट पे है कोई और अभी सैटेलाइट है कि नहीं है? तो हाँ, एक यहाँ पे अभी यूरोपियन की एक सैटेलाइट है SOHO सोहो, मतलब क्या सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट पहले से ही वहाँ पे है। और दूसरा L2 पॉइंट पे एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है ये यहाँ पे L2 पे आप देख सकते हो। तो ये वही टेलीस्कोप है जिसने हमको अभी लेटेस्ट जो एक स्टार था जो डाइंग था नेबुलर इफेक्ट के बारे में तस्वीर दी थी, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये वाली तस्वीर अभी भेजी थी। तो वैसे ही ये हमारा जो ये सोलर मिशन है आदित्य L1 मिशन वो सन के बारे में स्टडी करेगी, क्यों सन की आउटर साइड। तो हमारा ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च किससे हम लोग कर रहे, कौन से रॉकेट से हम लॉन्च करें? PSLV XL से। कहाँ से कर रहे हम? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आया है श्रीहरिकोटा, हाँ जहाँ से हमने ना चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग किया था वहाँ से ये भी लॉन्चिंग हम कर रहे हैं। तो इनिशियली ये आप देख सकते हो ये ट्रेजेक्टरी है, मतलब इसका पार्ट कैसे ये जो हमारा जो आदित्य L1 मिशन है उसको हम लॉन्चिंग से लेके कैसे L1 तक जाएगा उसकी एक पार्ट है, मतलब एक रास्ता है, इसको कहते हैं हम ट्रेजेक्टरी, बराबर। तो पहले इसको क्या ये इसको रॉकेट से हम लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च करेंगे और वहाँ पे इसको एलिप्टिकल टाइप का इसको सर्कल कराएंगे, बराबर है। और उसके बाद हम इसको लैग्रेंज पॉइंट की ओर इसको जाने देंगे बाय यूजिंग ऑनबोर्ड प्रोपल्शन। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल जो आती है क्या कहते हैं उसको, कहते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब क्या कि यहाँ से वो अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर निकल जाती है। तो वहाँ से ये क्या क्रूज मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे ये लार्ज हेलो जो ऑर्बिट है अराउंड L1 वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगी। और ये जो है अर्थ से लेके L1 पॉइंट है टोटल 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 लाख किलोमीटर ये सैटेलाइट है आदित्य L1 वो ट्रैवल करने वाली है। और एक बार जब ये इंसर्ट हो जाएगी हेलो ऑर्बिट में तो L1 की आजू बाजू ये घूमेगी और उसके बारे में भी ये स्टडी करेगी। तो ये एक पार्ट है। उसके बाद ये क्या है, एक फिक्स्ड हो जाएगा इसका ये, और ये सन के बारे में पड़ेगी। तो ये जनरली ये सन का स्ट्रक्चर है। तो ये सन में आउटर जो है उसको कोरोना कहते हैं और जो इनर जो है जिसको क्या कहते हैं क्रोमोस्फीयर। तो ये दो के बारे में हमारी जो आदित्य L1 है उसका मेन मिशन ये दो को स्टडी करने का है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा आदित्य L1 मिशन का? टू गेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग कि हमारी आजू बाजू जो स्टार, एक सन भी हमारा एक स्टार ही है, और तो उसके बारे में हमको डीप में अंडरस्टैंड हमको पता चलेगा कि वो कैसे वो रेडिएशन मिल रहा है, कैसे हीट मिल रही है, कैसे जो पार्टिकल्स वो फ्लो हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमको इफेक्ट करती है, बाहर का टेम्परेचर 10 लाख क्यों है और अंदर का टेम्परेचर 5000 क्यों है, उसके बारे में हमको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।